सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोहतक पहुंचने पर अजय चौटाला का भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक हुए अजय चौटाला। भरी आग से कही बड़ी बात। इनेलो में जारी घमासान के बीच अजय चौटाला रोहतक पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पार्टी से बाहर निकाले जाने को लेकर अजय चौटाला भावुक हो गए और अजय चौटाला ने भरी आग से कार्यकर्ताओं को कहा कि मैंने जो पार्टी के लिए काम किया उसका मुझे क्या इनाम मिला है। और जिस दिन कांग्रेस ने लोगों का सम्मान नहीं किया, उस दिन उसको तिलांजलि देकर के आपके बीच में आने का काम किया, आपके साथ मिलकर के सदैव संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और आपने ही उस लड़ाई को अपने खून पसीने से सींच करके इस इंडियन नेशनल लोकदल को वटवृक्ष बनाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल किसकी बात की तरफ होती है न मेरे की न किसी और की, ये तो आप लोगों की है जो आपने पूछी। मैंने जो बातें वहां पे कही कि मैं जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय करूंगा, पूरे हरियाणा प्रदेश में जाऊंगा और 17 तारीख को चौधरी देवीलाल के संघर्ष स्थल जीन पर बैठ करके हम फैसला लेंगे, निर्णय करेंगे, जो साथी निर्णय करेंगे मैं उस पर फूल चढ़ाने का काम करूँगा और उसी बात को अगर फूल दोहराने का काम करूँगा। भाई मुझे कल किस बात का इनाम दिया, यहाँ प्रदेश को एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक इस भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा करने का इनाम दिया, मुझे किस बात का इनाम दिया। 3602 दो छोरे थारे लगे और जेल 10 साल की मैं काटू और बिना FIR के नाम हुए बिना काटू और बिना कोई दवाई के काटू, बिना कोई दोष के काटू, वो भी काटूंगा।